स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके अंतर्गत हम आज आपका चैप्टर नंबर सेकंड जो है का नाम क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है द थीफ्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी, इसका अध्ययन करेंगे, इसकी समरी देखेंगे। लेकिन इसके लेखक कौन है द थीफ स्टोरी के, इसके लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है बच्चों लेखक का, ऑथर का क्या नेम है? रस्किन बॉन्ड। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, उसमें द जंगल बुक भी बहुत फेमस है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, और बच्चों से संबंधित बहुत सारी स्टोरीज इन्होंने लिखी है। तो आज हम द थीफ स्टोरी जो है इसकी समरी समझेंगे पिक्चर के माध्यम से। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये एक हरी नाम के चोर के विषय में है जो एक अनिल नाम के दोस्त से दोस्ती करता है और उसको ठगता है, उसको लूटता है, और उसके बाद उसका जो हृदय परिवर्तन होता है और वापस वो आके उसके पास फिर से आ जाता है, उसके पैसे उसको लौटा देता है। इसकी पूरी कहानी हम आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। चलो बच्चे शुरू करते हैं। इस कहानी में मुख्य दो पात्र हैं, एक है 25 वर्ष का लड़का जिसका नाम है अनिल। क्या नाम है उस बच्चे का? अनिल। ये अनिल नाम का बच्चा है, युवा है, जो 25 वर्षीय है, और ये छोटी मोटी कहानियां, छोटे मोटे लेख लिख करके पैसे कमाता है, और उससे जो पैसे उसको प्राप्त होते हैं उससे वो अपना घर का खर्च चलाता है, खुद का खर्च चलाता है। और यहाँ पर दूसरा जो बच्चा है वो है 15 वर्ष का, जिसका नाम उसने बदल के रखा हुआ है, उसका नाम इस स्टोरी में है हरी। हरी नाम का ये बच्चा रहता है, 15 वर्षीय लड़का रहता है। ये हरी सिंह नाम का जो लड़का रहता है ये कैसा रहता है? चोर रहता है। ये छोटी मोटी चोरी किया करता है, लोगों के बटुए लूटता है, पैसे चुराता है और उससे अपना खर्च चलाता है। इसको एक ऐसे शख्स की तलाश रहती है कि अब मुझे नई चोरी करना है, अभी तक तो जितनी चोरी कर चुकी हूँ सारा धन उसका खर्च हो जाता है, अब क्या करें। आगे वो एक ऐसा शख्स को तलाशता है जिससे वो अपना निशाना बना सके, उससे पैसे चुरा सके। तो वो ढूंढता है तो देखता है तो एक 25 वर्ष का अनिल नाम का जो युवा रहता है वो टीवी पर कौन सी कुश्ती वाली जो रेसलिंग चैंपियनशिप है वो देखता रहता है, कुश्ती की प्रतियोगिता देखता रहता है। उस समय जो 15 वर्ष का लड़का जिसका नाम हरी है वो उसको देखता है और उससे बोलता है कि सोचता है उसको देख कर कि चलो अच्छा ये अब अगला मुर्गा बनेगा मेरा जिससे जिसके यहाँ मैं चोरी करूंगा। तो हरी जो है अनिल के साथ दोस्ती या मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है तो पूछता है कि अरे तुम क्या देख रहे हो? तो बताता है कि मैं वही जो तुम देख रहे हो वो मैं भी देख रहा हूँ, यानी मैं भी कुश्ती की प्रतियोगिता देख रहा हूँ। फिर देख करके हरी सोचता है यार ये लड़का तो बड़ा बेरुखा टाइप का है, शायद मैं इससे चोरी ना कर पाऊँ, मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसके साथ बातें करता है और कहता है अच्छा तुम भी तो पहलवान टाइप के दिखते हो। तो अनिल कहता है नहीं तुम भी पहलवान दिख रहे हो। तो वो समझ जाता है कि ये मेरे को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है जिससे कि मैं इसे दोस्ती बना लूं। तो अनिल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम क्या बताता है? हरी सिंह। किसको बताता है? अनिल को। अनिल पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। और ये नाम वो क्यों रखता है? वो हर महीने अपना एक नाम बदल लेता है, हरी सिंह। क्यों बदल लेता है? क्योंकि वो हमेशा चोरी का काम करता है और चोरी से पकड़े जाने के भय से वो अपना नाम हर महीने बदल लेता है जिससे कि पुलिस उसको पहचान ना पाए, इसलिए वो अपना नाम बदल लेता है और अनिल को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। सोचता है हरी सिंह कि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत समय से पुलिस मेरा पीछा करती आती है, मैं हमेशा नाम बदल लेता हूँ, अब ऐसा कुछ ना कुछ करता हूँ कि मैं अनिल नाम के लड़के को लूट सकूं। तो वो अनिल से कहता है, हरी सिंह बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरे को अपने साथ रख सकते हो? तो अनिल कहता है नहीं मैं तुम्हें रख तो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए पैसे
नहीं दे सकता हूँ। तो फिर हरी पूछता है कि अच्छा क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे, हिरण्य ने क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, क्योंकि उसको हरी सिंह की ये कोशिश रहती कि किसी ना किसी बहाने में अनिल से दोस्ती बनाऊं और उसके घर में आने जाने लगूं। तो कहता क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे, अनिल बोलता हाँ मैं तुम्हें खिला सकता हूँ यदि तुम खाना बनाते तुमको आता है, यदि तुम खाना बना सकते हो मेरे घर चल के तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तब हरी सिंह को आता तो नहीं है कि फिर भी कह देता है हाँ हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ तुम मुझे खाना खिला दो। अब क्या होता है आगे बच्चों, अनिल नाम का जो लड़का रहता है वो कहाँ रहता है, जमुना स्वीट्स की शॉप के ऊपर एक उसकी उसका घर रहता है। तो वो हरी सिंह को अपने घर ले जाता है और बोलता है चलो अब तुम जा करके क्या बनाओ, खाना बनाओ। आपको क्या लगता है कि हरी सिंह खाना अच्छा बना लेगा, क्योंकि वो तो झूठ बोलता रहता है कि मेरे से खाना बनाते बनता। तो उस दिन जो हरी सिंह खाना बनाता है वो इतना बेकार खाना बनता है, हरी सिंह खुद सोचता है कि मैंने इतना बुरा खाना बनाया कि अनिल उस खाने को नहीं खा पाया। और उसने क्या किया, उस बुरे खाने को लेकर के कुत्तों के सामने, स्ट्रीट डॉग्स के सामने डाल दिया, अर्थात वो खाना अनिल खा ही नहीं पाया और उसने कुत्तों के सामने उस खाने को डाल दिया। अब हरी सिंह मन में हंसता रहता है तो अनिल उससे बोलता कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, यदि तुमको खाना बनाते नहीं बनता तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं तुमको वाक्यों को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये कौन बोलता है, अनिल बोलता है हरी सिंह से। तो उसको धीरे धीरे अब हरी सिंह अनिल के घर में रहने लगता है और उसके छोटे मोटे काम जैसे बाजार से कोई सामान लाना है, फल लाना है, सब्जियां लाना है तो वो ला के दे देता है, मान लो उसके लिखने के लिए उसको पेपर चाहिए तो वो ला के देता है। लेकिन हरी सिंह इतना ट्रिकी रहता है कि जब भी वो अनिल के लिए कोई भी सामान लेने जाता है तो उसमें से जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 45 रुपीज की आ रही है तो उसमें से वो जरूर 3 रुपए प्लस करके, 3 रुपए या 1 रुपए ऐसे प्लस करके उससे क्या कर लेता है, पैसे बनाता रहता है, मतलब हर बार वो कमीशन लेता रहता है। कोई भी सामान लेने गया वो और उसका एक कमीशन कौन ले लेगा, हरी सिंह ले लेगा, वो चोर ले लेगा। उसने बोला 40 रुपए का ये सामान लेके आ गया, 40 में ये सामान नहीं मिला ये तो 45 रुपए में आया, और ऐसा करके वो क्या कर लेता है, पैसे बचाता रहता है और अपने पैसे बनाता रहता है। इस प्रकार से हरी सिंह जो है अनिल की खूब सेवा करता है, उसके खाना बनाने में मदद करता है, उसके घर के कामों में मदद करता है, उससे अच्छे से व्यवहार रखता है, उसकी तारीफ प्रशंसा करता रहता है, धीरे धीरे उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो उससे धीरे धीरे पैसे अपने बनाता जाता है। हरी सिंह ये जानता है कि अनिल को पता है कि वो उससे पैसे बना रहा, मतलब अनिल समझ जाता है कि ये जो भी सामान हरी मुझे ला के देता है सब कैसे देता है, महंगे भाव में देता है और अपने पैसे बनाता है। लेकिन फिर भी अनिल सिंह का वो काम कर अनिल का काम करता रहता है। तो अनिल सोचता चलो जाने दो। एक दिन क्या होता है, ऐसा करते करते हरी को कितना समय हो जाता है, अनिल के यहाँ काम करते करते हरी को पूरा 1 महीना हो जाता है। 1 महीना हरी सिंह अनिल के यहाँ काम करता रहता है। तभी उस बीच में अनिल उस पर इतना विश्वास कर लेता है कि उसको घर की चाबी भी सौंप देता है, तुम जब चाहे जब आ सकते हो, दरवाजा खोल सकते हो, घर के अंदर रह सकते हो, यदि मैं नहीं रहता तो भी हरी तुम घर में रहो, घर की देखभाल करो। ऐसा करते करते हरी सिंह के हाथ में अनिल के घर की चाबियां भी आ जाती है, मतलब इतना विश्वास पात्र हो जाता है। तो एक दिन बैठ के हरी सोचता है कि किसी लालची व्यक्ति को लूटना बहुत सरल है, इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, मैंने किसी भी लालची व्यक्ति को लूटना सरल चीज है, उसको ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन सबसे कठिन किसका रहता है, जो लापरवाह है इंसान, जो इंसान लापरवाह है यदि उसको लूट भी लिया जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम लूट चुके हैं, और अमीर इंसान को भी लूटना सरल हो जाता है। लेकिन इसको क्या करूंगा, मुझे 1 महीने हो गए, 1 महीने से मुझे इसने कोई पैसा तनख्वाह भी नहीं दी है, और मैं जितना पैसा बनाता हूँ मेरे दिन के दिन में खर्च हो जाता है, अब मैं ऐसा क्या करूं, मुझे तो इसको लूटना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मेरी जो प्रैक्टिस है चोरी करने की वो क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, और प्रैक्टिस छूट जाएगी तो मैं अच्छा चोर कैसे रहूंगा, मैं तो चोरी नहीं रह पाऊंगा, अच्छे से चोरी ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करे, ऐसा सोचता रहता सोचता रहता।
एक दिन क्या होता है कि अनिल अपने घर में नोटों का बंडल लेके आता है। नोटों के कुछ बंडल रहते हैं, एक बंडल में कुछ नोट रहते हैं, और वो उसको देख लेता है कि वो ये बंडल जो है नोटों का अनिल अपने जहाँ सोता है उसके गद्दे के नीचे छुपाता रहता है। ये बात हरी देख लेता है कि अनिल ने पैसों के जो पैसों का बंडल है वो नोटों का बंडल गद्दे के नीचे छुपाया हुआ है। अब उसको मन में उसकी जो चोरी का भाव है वो जागृत हो जाता है। बोलता क्या करें, तो बोलता नहीं मुझे तो चोरी करना ही पड़ेगी हर हाल में, नहीं तो मैं चोरी करने की कला को भूल जाऊंगा। और क्या करता है, जब वो अनिल सोता रहता है तो धीरे से जा करके रात में, जब रात अच्छी चांदनी रोशनी चांद की रोशनी आती रहती खिड़की के अंदर से, और वहां पर अनिल शांत भाव से सोया हुआ रहता है, उस बीच में ये उठता है और धीरे से उसके बिस्तर के पास खिसक के गद्दे के नीचे से हाथ डाल के वो पैसे जैसे ही मिलते हैं तो धीरे से उसको खींच लेता है। पैसे खींचता है, उसी बीच अनिल की नींद, मतलब नींद में वो करवट लेता है तो ये थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही वो वापस घर से क्या हो जाता है, भाग जाता है। वो घर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, क्योंकि उसने पैसे तो चुरा लिए हैं। अब वो जो पैसे रहते हैं वो उसके जो पजामे का नाड़ा है उसमें बंधे हुए रहते हैं वो सारे नोट, और वो सीधे कहाँ जाता है, ये सीधे जाता है स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, और सोचता है कि मैं 10:30 बजे वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस है, साढ़े दस बजे वाली जो लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी है उससे मैं चला जाऊंगा। मैं पैसे लेने के बाद यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में यहाँ रुका तो पहचाना जाऊंगा और नाम बदल भी नहीं सकता, किसी होटल में भी नहीं रुक सकता। तो क्या करूं, तो मैं सीधे 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस से चला जाऊंगा। तो वो सीधे स्टेशन जाता है। स्टेशन जाता है तो टिकट काउंटर पर नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता, क्योंकि वो तो चोर रहता है, हमेशा उसका इस प्रकार से काम करना आदत रहती है ऊटपटांग वाली, तो वो टिकट नहीं खरीदता, सीधे स्टेशन पे जो गाड़ी रखती है लखनऊ एक्सप्रेस उस पर चढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी उसके पैर जो है वो आगे नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते पैर? पैर इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो सोचने लगता है यदि हम एक लालची आदमी को लूटेंगे तो उसको क्या आएगा, उसको अफसोस होगा, वो बहुत बौखला जाएगा। यदि मैं किसी अमीर इंसान को लौटूंगा तो उसमें क्या जाएगा, गुस्सा आएगी, उसके अंदर गुस्सा का भाव दिखेगा। लेकिन यदि मैंने अनिल जैसे ईमानदार इंसान को लूटा तो उसके चेहरे पे क्या आ जाएगी, उदासी आ जाएगी। और ये उदासी पैसे के जाने के कारण नहीं आएगी, आप बता सकते हैं, ये उदासी आएगी उसको कि उसके साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। उस विश्वासघात के कारण उसके अंदर उदासी आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं चढ़ते चढ़ते अपने पैर रुक जाता है। रुक करके बहुत दुखी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक अच्छे भले इंसान का, इस बच्चों इस टर्निंग पॉइंट पर उसका क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है। तो सोचता है अरे मैंने तो किसी इतने अच्छे इंसान का विश्वासघात करने जा रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है, मुझे किसी सीधे साधे और अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो क्या करता है, सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, सोचने लगता है, सोचता है यदि मैं होटल में रुकूंगा, पैसे भी गिन लेता है इस बीच में कि 50-50 के उसके पास 600 के नोट रहते हैं, तो सोचता है यदि मैं इतने पैसे से नहीं जाऊंगा तो होटल में किसी 10-15 दिन अच्छे रईसों के टाइप की जिंदगी बिता सकता हूँ, मैं चाहूंगा तो जीवन महीने भर इसको रख के आराम से खा सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊं, अगर मैं होटल में जाऊंगा तो पहचाना जाऊंगा, लोग मुझे रहने नहीं देंगे, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। उसको लगता नहीं, मुझे अच्छे ईमानदार इंसान को धोखा देना नहीं चाहिए, मुझे वापस अपने उसी घर में जाना चाहिए। तो वो वही जमुना स्वीट की शॉप में फिर से पहुंच जाता है, और वहां जाता है और जाके क्या करता है, उस बीच में बारिश भी होती है, ये भीग भी जाता है, और ये जाने के बाद में कहाँ जाता है, ये जाता है वापस उसी जगह जहां अनिल सोया रहता है, और जो नोटों का बंडल रहता है वो निकाल करके पुनः उसी के गद्दे के नीचे रख देता। अब फिर क्या करता है, अनिल तो सोता रहता है, ये भी जाके चुपचाप से सो जाता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो देखता है कि अनिल उससे कुछ नहीं कहता है। उसके लिए क्या बना के लाता है, चाय बना के ला के देता है कि लो हरी
चाय पी लो। जब वो चाय पी लेता है हरी, तो धीरे से अनिल उसी नोटों के बंडल में से एक 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ा के कहता है, लो मित्र आज से तुम अपने महीने का खर्चा रख सकते हो। इसका मतलब अनिल को यह भी पता चल जाता है कि हरि सिंह ने कल रात को उसके नोटों का बंडल चुराया था, लेकिन चूंकि वो उसको इतने दिनों से पैसे नहीं दे रहा था, तनख्वाह नहीं दे रहा था, और वो बिगड़ ना जाए उसको ये लगा अनिल को भी कि कहीं ना कहीं इसने पैसे इसलिए चुराए क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे और मैंने इसको पैसे नहीं दिए, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी चोरी की आदत फिर से ना बन जाए, इसलिए वो उसको पैसे देता है। बोलता अब मैं अब से मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे दिया करूंगा। हरि सिंह भी समझ जाता है कि अनिल को पता चल चुका है कि मैंने कल उसके नोट चुराए थे। तो बच्चों यहाँ पे दो अपोजिट है। पहली बात तो ये कि एक हृदय परिवर्तन होता है उस चोर हरि सिंह का, जो वापस अच्छाई की दुनिया में आ जाता है बुराई की दुनिया से, और दूसरा अनिल को भी अपनी इस गलती का एहसास होता है कि हमने इसको इतने दिन से रखा हुआ था लेकिन पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो भी इसको हर महीने की तनख्वाह देने लगता है। मतलब उसका ये प्रयास रहता है कि मेरी अच्छाइयों से ये जो लड़का हरि सिंह है ये सुधर जाए और आगे ये चोरी की दुनिया में ना जाए। तो बच्चों ये था द थीफ स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।